अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब, कैसी तबीयत है। तो आज मैं एक ऐसी मस्त जगह पर आई हूँ, मैंने खुद भी ये जगह नहीं देखी है, जब मैं छोटी थी तब भी नहीं देखी थी, बड़ी हूँ तब भी नहीं देखी, आज मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड, सो स्टे ट्यून्ड। आपके पास पापड़ी चाट है, चन्ना चाट? तुम्हें चन्ना चाट पसंद है? मुझे भी नहीं पता, मुझे चन्नों से कुछ होता है। इन्हें पेप्सी, मम्मी आपको ये अच्छी नहीं लगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी। अरे इतनी अच्छी एनर्जी आती है इससे, उई वो गिर गया। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें ऑल द वे चलकर उस तरफ जाना है, बिकॉज वीआईपी गेट खुला हुआ नहीं है, यू नो। तो हमें ऑल द वे उधर जाना है। वहाँ कबूतर कितने सारे? अच्छा, सही है। तो ये यहाँ पे लोगों ने जगह जगह पे ब्रिजेस बनाए हुए, हम वन ऑफ द ब्रिज पर है, ठीक है। एंड देन दे हैव दिस फोटोग्राफर्स एज वेल, दे विल आस्क यू कि अगर आपने पिक्चर्स क्लिक करवानी है तो ये आपको उसी वक्त यू नो पिक्चर लेंगे और देन आपको प्रिंट आउट निकाल कर जो है ना दे देंगे। मम्मी का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, बिकॉज ये जो रास्ता है ना ये बड़ा स्लिपरी है। तो आज का मौसम अपडेट ये है कि भाई धूप है, लेकिन बादल भी आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन धूप है। जो कल वाला मौसम था ना जू में जो हम थे, वो वाला मौसम नहीं है। तो ये हम सब ने ही पाक स्टडीज़ में पढ़ा हुआ है, ये हमारे कायदे आज़म के वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स, माशाल्लाह। सो गाइस, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, तो हमें यहीं से ही पिक्चर्स और वीडियोस देनी पड़ेंगी। यहाँ पे बाउंड्रीज इन लोगों ने लगाई है और बिल्कुल भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सो मैं यहीं से अपना फ़ोटो शूट करूँगी, यहीं से अपनी पिक्चर्स लूँगी। सो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मेरे पैर जल रहे हैं। तो ये दूसरे बाजार है, फातिमा अली जना भी यहीं पर है और लियाकत अली खान भी यहीं पर है। सो अभी हम देखेंगे, और आई थिंक कायदे आज़म की चीज़ें भी हैं अंदर, लाइक बेड, पिक्चर्स, ड्रेसेस मे भी, मैंने गूगल में देखा था, बट आई डोंट नो अब इधर है या इधर है। सो हम खुद एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है क्या। तो ये लियाकत अली खान की बेगम है और आई थिंक इधर लियाकत अली खान है। हाँ, ये रहे। मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये भी इन्हीं की है। आई हैव नो आइडिया ये कौन है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी पाकिस्तान स्टडीज़ बहुत वीक है, मुझे मेन मेन लोगों के बारे में पता है। ये फातिमा जिना की है। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे टोटल चार कब्रें हैं, ठीक है, नहीं चार नहीं पांच हैं। वहाँ पे लियाकत अली खान और उनकी वाइफ है, ये एक और लेडीज़ हैं, वो फातिमा अली जना है, और ये यहाँ पे एक और है। और यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो आप लोग वेदर भी देख सकते हो, और इस तरफ कायदे आज़म का मज़ार है, एंड देन अंदर की तरफ ये है। कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा। सो यहाँ पे कायदे आज़म की चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। गाइस, ये कायदे आज़म की गाड़ी है यार, मतलब स्वैग चेक करो, कितनी खूबसूरत है। ये दूसरी कार है कायदे आज़म की, इट्स लाइक ब्लैक है, कितनी खूबसूरत है। मैं आप लोगों को इस तरह से दिखाती हूँ। आई विश मैं इसमें बैठ सकती। अच्छा, ये फुल म्यूजियम इस तरीके से है, इतना प्यारा है माशाल्लाह। इसमें एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो कायदे आज़म के कपड़े। गाइस, ये सारे कायदे आज़म के जूते हैं। यहाँ पे लोगों ने एक बड़ा सा ये भी लिख के लगाया हुआ है, शूज, ठीक है। एंड देन ये कायदे आज़म की शेरवानी है जो इन्होंने इस पिक्चर में पहनी हुई है।
गाइस के सोफा सेट है कायदे आजम जहाँ पे ना बैठते थे। ये उनका डाइनिंग टेबल है। तो ये उनके स्पोर्ट्स की है चीज़ें हैं। ये उनकी बंदूक के तलवारें वगैरह। ये उनकी वाइफ का है बेड और सारी चीज़ें। हाँ ये इनकी वाइफ। ये कायद आजम की लाइब्रेरी है, वो ये सारी बुक्स पढ़ा करते थे। और ये क्या है, आई थिंक ये आई डोंट नो, ये भी पुराने ज़माने का इन्हीं का ही है, सारी चीज़ें इन्हीं की हैं। कायद आजम का ऑफिस है ये। यहाँ पे जब आप टॉयलेट पे जाते हो तो वो आपसे ना 10 रुपये लेते हैं, नहीं 20 रुपये लेते हैं। तो जब मैं अंदर गई ना अपना नकाब हिजाब सेट करने के लिए, तो ना शी बी लाइक तुम्हें टॉयलेट ही जाना, आई वाज लाइक नो, देन शी बी लाइक छोड़ो फिर पैसे मत दो, आई वाज लाइक ओके, देन शी बी लाइक अपनी नज़र उतार लो तो बहुत प्यारे लग रहे हो। मैंने सोचा आप लोगों को जाने से पहले एक लास्ट यू नो ग्लिम्स दे दूँ। मौसम अच्छा हो गया दोबारा से, हम इधर से अंदर आए थे, ठीक है। अच्छा हाँ ये वो फोटोग्राफर अंकल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने पूरी पूरी ट्राई की कि मैं आपको कायदे आजम का पूरा मज़ार दिखाऊं, और मेरे लिए खुद बहुत न्यू था, ये तो यहीं रहता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैं रहता यहीं हूँ। तो यू नो मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी आती। मैंने पूरी जो लिस्ट बनाई है ना अपनी, तो उसमें कायदे आजम का मज़ा मैंने अच्छा हुआ मैंने ऐड किया, क्योंकि व्हाई नॉट, इट्स अ स्टोरी का वाइट है और बहुत प्यारा भी है। नहीं सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, उनकी जो सारी चीज़ें म्यूजियम में रखी हुई है ना, सबसे अच्छी उनकी बंदूक लगी। मुझे बंदूकों का बहुत शौक। टेल मी योर अ बॉय विदाउट टेलिंग मी योर अ बॉय, मेक सेंस। सो मेक श्योर टू लाइक comment and subscribe. I'll see you guys in the next vlog. Subscribe kar do sab. Allah Hafiz. Bolo Allah Hafiz.